Hello, I welcome you all once again to my channel Explore Education. I am Dr. Rashmi Singh, Assistant Professor, Department of Education, HS Khanna Girls Degree College, University of Allahabad. And nowadays I am discussing primary education in India and various strategies of government or as well as NGOs for achieving UEE, that is Universalization of Elementary Education. In this discussion, I am going to discuss today a very important topic, that is SSA. सर्व शिक्षा अभियान. बहुत सुना है हम लोगों ने सर्व शिक्षा अभियान के बारे में, पर हम लोगों में से बहुत कम लोग ऐसा जानते होंगे कि कितना बड़ा प्रोग्राम है ये. बहुत बड़ा, बहुत इसके कंपोनेंट्स हैं, बहुत कुछ इसके इसको करने को है और बहुत इसका रोल है भारत में लिटरेसी को बढ़ाने में. ठीक है, तो इसको जानते हैं आज. चूंकि बहुत बड़ा टॉपिक है इसलिए इसको दो भागों में बांटा है मैंने. एक में हम लोग सिर्फ बैकग्राउंड, ऑब्जेक्टिव्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे एंड नेक्स्ट वीडियो में हम इसके स्ट्रेटजीज एंड प्रोग्राम्स पढ़ेंगे. ओके, तो obviously this lecture will be useful to you and do subscribe my telegram group and my channel too, YouTube channel too. Okay, then so let's start. Background, कहाँ से शुरुआत हुई है. हम लोगों ने इतना जान लिया है पिछले कुछ दिनों में प्राइमरी एजुकेशन के बारे में कि हम ये तो समझ गए हैं कि हमें यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन को अचीव करना है. इसके लिए सरकार ने बहुत सारे प्रयास किए, बहुत सारी स्कीम. हम लोगों ने डाइट के बारे में पढ़ा, कितना कुछ डाइट को करने को है. अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सर्व शिक्षा अभियान. तो है क्या ये सर्व शिक्षा अभियान? नाम ही है कि सभी के लिए शिक्षा का अभियान चलाया जा रहा है ना. The comprehensive and integrated flagship program of Government of India to attain UEE, covering the entire country in a mission mode. मतलब एकदम मिशन के रूप में हमको पूरे देश को कवर करना है कि हमको UEE पा ही लेना है. और ये GOI यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का फ्लैगशिप प्रोग्राम है, कॉम्प्रिहेंसिव है, बहुत व्यापक है. Has been launched in 2001-2002. कहीं कहीं ये 2000 से 2001 लिखा है, कहीं 2001 से 2002 लिखा है, पर मान के चलिए कि 2001 है इसका लॉन्चिंग ईयर, है ना. तो 2001 दोनों में कॉमन है, 2001. इन पार्टनरशिप्स विद द स्टेट गवर्नमेंट्स एंड लोकल सेल्फ गवर्नमेंट. यानी कि ये चलाया गया है, GOI चला रहा है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चला रहा है, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट की हेल्प से, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की हेल्प से. द प्रोग्राम एम्स टू प्रोवाइड यूजफुल एंड रेलिवेंट. देखिए, हमको फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन ही नहीं देनी है, हमको यूजफुल एजुकेशन देनी है, रेलेवेंट एजुकेशन देनी है टू ऑल चिल्ड्रन इन द 6-14 एज ग्रुप बाय 2010. देखिए 2023 में हम पहुंच गए, पर हमको ये ध्यान में रखना होगा इसको जानते वक्त कि ये बनाया कब जा रहा है. ये 2001 में लॉन्च हो रहा है, तो ये माना गया था कि अगले 9 सालों में हम 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को एलिमेंट्री एजुकेशन दे देंगे. एज ए होलिस्टिक एंड कन्वर्जेंट अप्रोच, SSA कवर्स ऑल दी स्टेट्स एंड डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ अवर कंट्री, वेयर द मेन अटेम्प्ट इज टू प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी टू ऑल द चिल्ड्रन इन द एज ग्रुप ऑफ 6-14 इररिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, क्रीड, सेक्स एंड रिलीजन बाय 2010. लगभग वही बात है कि ये होलिस्टिक अप्रोच है, कन्वर्जेंट अप्रोच है, सारे स्टेट्स डिस्ट्रिक्ट्स को कवर करेगी, 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को शिक्षा देगी, उसमें जाति, धर्म, लिंग का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, और फॉर इम्प्रूविंग देयर कैपेबिलिटीज थ्रू द प्रोविजन ऑफ कम्युनिटी ओन्ड क्वालिटी एजुकेशन. देखिए कुछ बातें इसमें खास अलग नजर आ रही डाइट से, है ना, कि क्वालिटी एजुकेशन की यहाँ पे बहुत इम्फेसिस है. कम्युनिटी ओन्ड, कम्युनिटी ओन्ड बार बार जब कहा जाता है, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, क्योंकि आप लोकल कंटेक्स्ट के बिना, लोकल रिसोर्सेज के बिना यूईई कभी पा ही नहीं सकते. सिर्फ सेंटर उतनी दूर से बैठ के देश के छोटे 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 हिस्सों की जो जो विशिष्टताएं हैं उनको ध्यान में नहीं रख सकती है, अक्षमता है, लिमिटेशन है. इसलिए जरूरी है कि हम कम्युनिटी का पार्टिसिपेशन सीख करें. फिर मोटो क्या है इसका? The basic motto of SSA is to reduce dropout. हम जो शाला त्याग की परंपरा चली आ रही, प्रक्रिया चलती है, उसको कम कर सकें. Capture all the students of the target group with the aim of providing improved scholastic and co-scholastic environment. यानी कि विद्यालय और विद्यालय के आसपास जो co-scholastic, co-curricular चलता है, उसको भी सुधारें और हम सभी बच्चे, जो हमारे टारगेट ग्रुप का बच्चा है, कोई हमसे छूटे नहीं. SSA also aims at setting the umbrella for children for turning them into respectable citizens.
capable of constructive contribution towards a better society in the field of science, technology, literature, administration and so on. देखिए कितना वृहद इसका aspect है. सिर्फ ये नहीं कि आप साक्षर करके नहीं छोड़ना है, हमको उनको एक respectable citizen बनाना है जिससे कि वो योगदान कर सकें, constructive contribution कर सकें एक better society के निर्माण में, चाहे वो विज्ञान के क्षेत्र में हो, तकनीकी के क्षेत्र में हो, साहित्य के क्षेत्र में हो, प्रशासन के क्षेत्र में हो, किसी भी क्षेत्र में. यानी कि इतनी अच्छी शिक्षा दें. सिर्फ साक्षर बनाना उद्देश्य नहीं है इसका. इट इज ऑल्सो सम एफर्ट्स टू डिसेंट्रलाइज द होल प्रोसेस ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट फ्रॉम द ग्रास रूट लेवल टू द डिस्ट्रिक्ट एंड द स्टेट लेवल. यानी कि हम डिसेंट्रलाइज कर दें करिकुलम डेवलपमेंट को. बोलते हैं ना कि पाठ्यक्रम हम बना रहे हैं तो उस जगह की स्पेशलिटी को उसमें इंक्लूड कीजिए, तो बच्चा उसे अपनापन महसूस करेगा और वो उसमें कुछ रोजगार भी कर सकेगा अगर उसको वहां की लोकल चीज हम सिखा दें, है ना. तो ये पहले ग्रास रूट लेवल से डिस्ट्रिक्ट लेवल और फिर स्टेट लेवल तक ये करिकुलम के डिसेंट्रलाइजेशन की बात करती है, करता है SSA. फिर देयर इज ऑल्सो अनदर गोल. देखिए ये बहुत खास बात है SSA के साथ है कि ये सोशल, रीजनल और जेंडर गैप को पाटने का काम भी करता है, या उसका उद्देश्य है. कि आपने देखा होगा कि जब भी हम डेटा निकालते हैं लिटरेसी का, तो हम देखते हैं मेल इतने परसेंट लिटरेट और फीमेल इतने कम परसेंट लिटरेट है, और ये गैप कहीं कहीं बहुत ज्यादा है, और सोशल गैप है, रीजनल गैप है और जेंडर गैप है. तो उसने कहा, इसका ये भी मोटो था कि हम इस जेंडर गैप को पाट दें, यानी कि जितने मेल साक्षर हों उतनी ही फीमेल्स को भी हम साक्षर कर पाएं विद द एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ द कम्युनिटी इन द मैनेजमेंट ऑफ स्कूल. विद्यालय प्रबंधन में हम समुदाय की सक्रिय प्रतिभागिता को, मतलब मोटो है इसका कि हम सुनिश्चित कर पाएं. फिर ऑब्जेक्टिव्स क्या है इसके, ये ऑब्जेक्टिव लेके चले थे. आप जानते हैं कि इसमें से हम अचीव नहीं कर पाए, लेकिन ऑब्जेक्टिव्स जब आप SSA की बात करेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि ऑब्जेक्टिव क्या था. ऑल चिल्ड्रन इन स्कूल एजुकेशन गारंटी सेंटर ऑल्टरनेटिव स्कूल बैक टू स्कूल कैंप बाई 2023. ये कह रहे हैं सबको हम 2023, देखिए 2023 चल रहा है, 2023 तक की एजुकेशन गारंटी सेंटर में ले आएं, या स्कूल में ले आएं, या ऑल्टरनेटिव स्कूल ले आएं, बैक टू स्कूल किसी भी तरीके से हम उसको विद्यालय में ले आएं. ये 2023 तक ऐसा सोचा गया था. ऑल चिल्ड्रेन कम्प्लीट 5 years ऑफ प्राइमरी स्कूलिंग बाई 2007. वो कह रहे हैं, मतलब आप ये मान लीजिए ना कि 2001 में मान लीजिए लॉन्च हुआ, फंक्शनल ऑपरेशनल होते होते 2002 हो गया, तो इन्होंने कहा कि 2002 से अगले 5 साल यानी 2007 में हम प्राइमरी स्कूलिंग सबको दिला देंगे, और 2002 से अगले 8 साल यानी 2010 तक हम सबको एलिमेंट्री स्कूलिंग दिला देंगे. फिर फोकस ऑन एलिमेंट्री एजुकेशन ऑफ सेटिस्फैक्ट्री क्वालिटी विद एम्फेसिस ऑन एजुकेशन फॉर लाइफ, जीवन के लिए शिक्षा. देखिए बड़े बड़े नए नए कंसेप्ट, एजुकेशन फॉर हैप्पीनेस का कंसेप्ट है, एजुकेशन फॉर लाइफ का कंसेप्ट है, लाइफ स्किल की बात होती है कि हम एक अच्छी सेटिस्फैक्ट्री क्वालिटी की एलिमेंट्री एजुकेशन पे एम्फेसिस करेंगे. और सब जेंडर और सोशल कैटेगरी गैप को हम 2007 तक प्राइमरी लेवल पे और 2010 तक एलिमेंट्री लेवल पे ब्रिज कर देंगे, पार्ट देंगे. क्योंकि हमने कहा था ना कि 2007 तक प्राइमरी स्कूलिंग प्राप्त करनी है, तो सिर्फ प्राइमरी स्कूलिंग प्राप्त नहीं करनी है, ब्रिज करना है गैप को भी. उसी तरह से 2010 तक सिर्फ एलिमेंट्री स्कूलिंग प्राप्त नहीं करनी है, वो गैप को भी खत्म करना है. और यूनिवर्सल रिटेंशन बाई 2010, यानी कि उन्होंने मान के चले थे कि 2010 के बाद कोई ड्रॉप आउट नहीं होना चाहिए. ठीक है, ये इसके ऑब्जेक्टिव्स थे. और इन्होंने कहा कि ऑब्जेक्टिव्स मतलब किस, ये तो मान लिया कि ऐसा ऐसा करेंगे, करेंगे कैसे, यानी कि उसने कहा सुधारेंगे. क्या क्या सुधारेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर सुधारेंगे, ह्यूमन रिसोर्स बढ़िया करेंगे और क्वालिटी में इंप्रूवमेंट लाएंगे. कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे सुधारेंगे, ओपन न्यू स्कूल्स इन हैबिटेशंस व्हिच डू नॉट हैव स्कूलिंग फैसिलिटीज. जिन जगहों पे, जिन आवासों में, आवासीय जगहों पे विद्यालयी सुविधाएं नहीं है, वहां नए विद्यालय खोलेंगे. फिर strengthen existing school infrastructure through provision of additional classrooms, toilets, drinking water. अक्सर हम लोगों ने देखा है, स्टडीज हुई हैं, रिसर्चेस होती हैं कि लड़कियों के लिए अक्सर वो ड्रॉप आउट इसलिए हो जाती हैं बिकॉज सैनिटेशन फैसिलिटी नहीं है, टॉयलेट फैसिलिटी नहीं है, इसलिए जब वो बड़ी होने लगती हैं. तो उसने कहा कि या तो जहाँ नहीं है वहाँ विद्यालय खोलेंगे, और जहाँ हैं वहाँ उसका इंफ्रास्ट्रक्चर सुधारेंगे, उसमें अच्छी कक्षाएँ बनाएंगे और अतिरिक्त कक्षाएँ, कक्षा कक्ष बनाएंगे, टॉयलेट्स बनाएंगे, ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी को सुनिश्चित करेंगे. ह्यूमन रिसोर्स कैसे बेहतर करेंगे, प्रोविजन ऑफ एडिशनल टीचर्स. अक्सर देखा जाता है कि शिक्षकों की कमी है, तो शिक्षक हम उनको देंगे. स्ट्रेंथनिंग कैपेसिटी ऑफ एग्जिस्टिंग टीचर्स बाय ट्रेनिंग, डेवलपिंग TLM एटसेट्रा. जो टीचर वहां पहले से है उसको हम प्रशिक्षण देंगे, अच्छा TLM बनाएंगे, यानी कि शिक्षण अधिगम सामग्री. स्ट्रेंथनिंग ऑफ द एकेडमिक सपोर्ट स्ट्रक्चर एट क्लस्टर, ब्लॉक एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल.
क्लस्टर लेवल पे, फिर उसके ऊपर ब्लॉक लेवल पे, फिर उसके ऊपर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हम एकेडमिक सपोर्ट स्ट्रक्चर को और सुदृढ़ करेंगे। और क्वालिटी कैसे सुधारेंगे? प्रोविजन ऑफ क्वालिटी एलिमेंट्री एजुकेशन इंक्लूडिंग लाइफ स्किल, जीवन कौशल के बारे में हम एलिमेंट्री एजुकेशन में बताएंगे। गर्ल्स एजुकेशन पे स्पेशल फोकस करेंगे, चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। देखिए CWSN जब हम लोग बात कर रहे थे इंक्लूसिव एजुकेशन की, तो क्या बात की थी कि जब EFA आया 2000 में, देखिए वही समय है ना जब एजुकेशन फॉर ऑल की बात हो रही है, और यही 2001 में आया, ये 2001 में आ रहा है, यानी कि इम्फेसिस इसके ऊपर EFA का है। और EFA क्या कह रहा है कि किसी भी बालक को आप छोड़ेंगे नहीं, किसी को एक्सक्लूड नहीं करेंगे, तो ये चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स को भी कंसिडरेशन में लेता है। और 2000 का जमाना, कंप्यूटर आ चुका है, टेक्नोलॉजी आ चुकी है, तो ये कह रहे हैं कि कंप्यूटर एजुकेशन भी हम प्रोवाइड करेंगे ताकि डिजिटल डिवाइड को भी पाट सके। ये बहुत बृहद इसका ऑब्जेक्टिव है। Characteristics क्या है इसकी विशेषताएं? SSA adopts the bottom-up process of planning, wherein the felt needs of the served communities and educational needs of learners are taken care of, and the plan fits into the broad framework of this. SSA bottom-up, नीचे से ऊपर जाएंगे, यानी सबसे पहले local चीज देखेंगे, फिर cluster level पे देखेंगे, फिर block level पे देखेंगे, फिर district, फिर state, फिर central, है ना? फिर कह रहे हैं कि SSA has emphasized the involvement of local people and stakeholders in planning. This also ensures reflection of local specificity, which is essential for achieving the goals of the program, है ना? यानी कि इस प्रोग्राम का लक्ष्य यही है कि हम विशिष्टता को ध्यान में रख पाए। विशिष्टता को ध्यान में रखकर शिक्षा देंगे तो निश्चित रूप पर वह प्रभावी होगी। Through the SSA, India for the first time is attempting to translate its commitments into a program of UEE, which provides for greater democratic participation and community involvement, decentralized planning and management, with a view to the specific requirements and needs of the disadvantaged regions, social groups, girls and the children in difficult circumstances. Yani ki wo bacche jo kathin paristhitiyon mein hain, ladkiyan hain, samajik group hain, samajik group se pichhde क्षेत्र हैं, उन सब की स्पेसिफिक नीड और रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए, प्लानिंग और मैनेजमेंट को डिसेंट्रलाइज करते हुए, कम्युनिटी का इन्वॉल्वमेंट सीख करते हुए, और बेहतर क्या कहते हैं लोकतांत्रिक प्रतिभागिता को सुनिश्चित करते हुए यूईई को अचीव करने का ये एक अम्ब्रेला प्रोग्राम है SSA। तो अब आपको कहीं कोई शक नहीं होना चाहिए कि डिसेंट्रलाइजेशन कितना इम्पॉर्टेंट है, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन कितना इन्वायरमेंट है इम्पॉर्टेंट है, लोकल नीड्स और स्पेसिफिसिटी की कितनी इम्फेसिस की गई है। और SSA का कैरेक्टरिस्टिक पॉइंट है कि ये ब्रिज करने की बात करता है किसको? सोशल, रीजनल और जेंडर गैप को, ठीक है? और ये क्या इसकी और विशेषता के बारे में कहें तो ये प्रोग्राम था जिसमें क्लियर टाइम फ्रेम दिया गया था ना कि 2007 तक ये पालेंगे, 2010 तक ऐसा कर लेंगे, 2023 तक ऐसा कर लेंगे। अ रिस्पॉन्स टू द डिमांड फॉर क्वालिटी बेसिक एजुकेशन ऑल ओवर द कंट्री, बहुत समय से मांग उठ रही थी कि हम क्वालिटी बेसिक एजुकेशन प्रोवाइड करें, तो उसका ये एक प्रत्युत्तर है। एन अपॉर्चुनिटी फॉर प्रमोटिंग सोशल जस्टिस थ्रू बेसिक एजुकेशन, एक ये अवसर मिला देश को, अवसर देश को दिया गया सरकारी तंत्र के द्वारा, पॉलिसी मेकर्स के द्वारा, कि हम बेसिक एजुकेशन के द्वारा सोशल जस्टिस को प्रमोट कर पाए। और एन एफर्ट एट इफेक्टिवली इन्वॉल्विंग, एक ये एक तरीके का प्रयास है जिससे हम प्रभावपूर्ण तरीके से इन्वॉल्व कर सकते हैं किसको? किसको? पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी को, विलेज एजुकेशन कमेटी को, पेरेंट टीचर एसोसिएशन को, ट्राइबल ऑटोनोमस काउंसिल को, और अदर जो ग्रास रूट लेवल की स्ट्रक्चर हैं उन सबको एलिमेंट्री स्कूल के मैनेजमेंट में इन्वॉल्व किया जा सकता है। एन एक्सप्रेशन ऑफ पॉलिटिकल विल फॉर यूनिवर्सल एलिमेंट्री एजुकेशन अक्रॉस द कंट्री, मतलब एक राजनीतिक इच्छा भी का ये एक्सप्रेशन है कि वो चाहते हैं, सरकार चाहती हैं अब कि अब यूनिवर्सल ईई, यूनिवर्सल एलिमेंट्री एजुकेशन हम थ्रू आउट द कंट्री अचीव कर पाए। और ये एक बहुत अच्छा उदाहरण है सेंट्रल, स्टेट और लोकल गवर्नमेंट की पार्टनरशिप का। एन अपॉर्चुनिटी फॉर स्टेट्स टू डेवलप देयर ओन विजन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, ये स्टेट्स के लिए भी एक अपॉर्चुनिटी थी कि वो अपना एक विजन बनाएं कि वो किस तरह की एलिमेंट्री एजुकेशन चाहते हैं, कैसे उसको अचीव किया जा सकता है, कैसे उसको सुधारा जा सकता है, ठीक है? तो कंक्लूडिंग एंड में हम क्या कह सकते हैं कि ऑन वन हैंड SSA इज ए प्रोग्राम विद इट्स ओन टारगेट्स, नॉर्म्स एंड प्रोसेसेस, एंड ऑन द अदर इट इज एन अम्ब्रेला प्रोग्राम कवरिंग अदर प्रोग्राम्स लाइक DPEP, डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम, लोक जुम्बिश, ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड एक्सेट्रा। मतलब कि UEE को अचीव करने के लिए जितने प्रोग्राम चल रहे हैं उन सब के ऊपर SSA है, और SSA के अंतर्गत ही सब कुछ, SSA ने सबको सबका अम्ब्रेला टर्म बन गया है कि एक छाता है उसके नीचे सारे प्रोग्राम आ गए। और इट इज एन अटेम्प्ट टू कवर ऑल द डिस्ट्रिक्ट्स इन द कंट्री अनलाइक द अर्लियर प्रोग्राम्स ऑन एलिमेंट्री एजुकेशन, इसके पहले जो एलिमेंट्री एजुकेशन पे प्रोग्राम थे वो कोई डिस्ट्रिक्ट वाइज था, कोई कैसा था, कुछ किसी में कुछ
कुछ था, किसी में कुछ नहीं था, लेकिन ये जो है इसने सारे पूरे देश के जिलों को कवर करता हुआ प्रोग्राम है ये। द प्रोग्राम कवर्स द होल गैमट ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन सेक्टर एंड इज फ्लेक्सिबल इनफ टू इनकॉर्पोरेट न्यू इंटरवेंशन लाइक स्पेसिफिक इंटरवेंशन फॉर गर्ल्स, एनपीई जीईएल है, कस्तूरबा गांधी प्रोग्राम है, इस तरह से। और फ्रॉम द ईयर 20 मतलब कह रहे हैं कि एक ऐसा प्रोग्राम है जिसने जितना लचीला था कि कोई भी नया इंटरवेंशन उसके अंदर इंक्लूड हो सकता है, और क्योंकि ये जेंडर गैप को कम करने की बात करता है इसलिए लड़कियों की शिक्षा पर बहुत ज्यादा बल है इसमें। तो ये सारे कस्तूरबा गांधी प्रोग्राम वगैरह जो चलते हैं किशोर लड़कियों के लिए, पिछड़े पिछड़ी पिछड़े वर्ग की किशोर लड़कियों के लिए, उन सबका इंक्लूजन है इसके अंदर। और 2010 और 11 से, क्यों 2010-11 खास है, क्योंकि 2009 में आरटीई एक्ट आ रहा है, 2010 से वो लागू हो रहा है। तो जब आरटीई एक्ट आ गया तो फिर से एसएसए को री इम्फेसाइज किया गया, री इन्वेंट किया गया, री ऑर्गेनाइज किया गया कि और क्या उसमें सुधार करना चाहिए ताकि आरटीई एक्ट की हम संस्तुतियां लागू कर सकें। तो इट इज इम्प्लीमेंटेड इन अकॉर्डेंस विद द लीगल फ्रेमवर्क या प्रोविजंस ऑफ द आरटीई एक्ट 2009, यानी कि 2010 और 11 से ये आरटीई एक्ट की प्रोविजन के साथ चल रहा है सभी यूनियन टेरिटरीज और राज्यों में एक्सेप्ट जम्मू कश्मीर। द फ्रेमवर्क फॉर इंप्लीमेंटेशन ऑफ एसएसए हैज अकॉर्डिंगली बीन अमेंडेड इन सितंबर 2010 टू अलाइन इट विद द प्रोविजंस ऑफ द आरटीई एक्ट 2009, है ना। तो 2009 के बाद से, सितंबर 2010 से इसने चेंज कर लिया अपना फ्रेमवर्क। SSA is now the primary vehicle and designated centrally sponsored scheme for meeting the objectives of the RTE Act 2009. तो आप कह सकते हैं कि RTE Act 2009, शिक्षा के कानूनी अधिकार 2009 में जब आया, 2010 से लागू हुआ, तो उसके अलाइनमेंट में अब SSA काम कर रहा है कि कैसे आप UEE को अचीव कर सकते हैं, कैसे सब तक एलिमेंट्री एजुकेशन पहुंचा सकते हैं। ओके, एंड ऑफ स्लाइड, कोई नहीं, लास्ट वाली, इट्स ओके। तो इन दिस वे आई हैव कंप्लीटेड द बेसिक बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स, बैकग्राउंड एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सर्व शिक्षा अभियान, एंड आई थिंक दैट यू हैव नाउ बिकम फेमिलियर विद दिस टर्म। सो आई हैव कंप्लीटेड दिस वन, थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू, एंड आई हैव कंप्लीटेड द वेरी बेसिक टॉपिक ऑफ सर्व शिक्षा अभियान। डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड ज्वाइन माई टेलीग्राम ग्रुप टू। ओके, आई हैव डन फ्रॉम माई सेल्फ।